ये नारियल कितने के? सर 30 रुपया। क्या 30 रुपया? 25 में दे तीन। नहीं साहब, लॉस हो जाएगा सर। अरे दे, लॉस हो जाएगा, जल्दी जल्दी काट के दे। ठीक है सर, देता हूँ। कितना हुआ? 75 रुपये साहब। UPI स्कैनर कहाँ है? समझा नहीं साहब। अरे UPI से पेमेंट करेंगे, फोन पे गूगल पे स्कैन कहाँ है? नहीं साहब, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सब नहीं चला पाते। आप पैसा दे दीजिए। क्या पैसा लेके कौन घूमता है आजकल? कहाँ से आते हैं ऐसे पढ़कर लोग यार। एक काम कर, ये मेरा कार्ड ले, मेरा ऑफिस से आके पैसा ले जाना। क्या हुआ चाचा जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे इनके पास फोन पे गूगल पे कुछ भी नहीं है, हम पेमेंट कैसे करेंगे? अरे सर थोड़ा आगे ATM है, वहां से थोड़ा कैश ले आइए। आगे और एक गोबर, 75 रुपये के लिए हम ATM जाएंगे? यहीं पे ATM है, लेकिन आप लोग नहीं जाओगे। इनको बोल रहे हो कि तुम्हारे ऑफिस से जाके पैसा लाए? आप लोग गरीबों को समझते क्या हो? क्या बे, दो पैसा का औकात नहीं है तू हमसे जबान लड़ाएगा? देखिए हम मानते हैं हमारा कोई भी औकात नहीं है आप लोगों के सामने, पर अब चाचा जी के पैसा ATM चला के थोड़ा देखे जाइए। तू हमको ऑर्डर देगा? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं तुम लोगों को 30 मिनट से नोटिस कर रहा हूँ, वहां पे चेकिंग चल रहा है, इसलिए तुम यहाँ गाड़ी रोक के बैठे हो, कहीं तुम्हारा चालान ना कट जाए। और तुम लोग हमें उखाड़ दिखा रहे हो? बहुत बोल दिया रे तू, अब मैं इसे एक भी पैसा नहीं दूंगा। तू मेरा क्या उखाड़ेगा उखाड़ ले। तुझे लगता है हम चालान से डरते हैं? तू जानता नहीं है हमको। आओ रे सब सब। गाड़ी का पेपर निकालो। गाड़ी साइड करके बाहर आओ, आरसी बुक लेकर आओ। सर नमस्ते सर, कुछ ले दे के छोड़ दीजिए ना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बड़े साहब राउंड पे है, वो खुद तुम्हारा पेपर मंगा के चेक कर रहे हैं। जो बात करना है उनसे करो। कहाँ है बड़े साहब? वहाँ। ये हाँ इज्जत से इस शहर का SCP है। सॉरी सर, इनका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं, 2000 का चालान काटो। जी सर। कैश? सर हमारे पास तो कैश नहीं है। थोड़ा आगे के ATM है, वहां से थोड़ा कैश ले आइए। जी सर। और उनका पैसा भी ले आना। जी सर। आजकल के ऑनलाइन पेमेंट के जमाने में ऐसे छोटे छोटे दुकानदार जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है बिजनेस करने में। बहुत सारे लोग सामान वापस करके चले जाते हैं। अगर ये दबाव में आकर ऑनलाइन पेमेंट रखते भी हैं, तो बहुत सारे स्मार्ट लोग आकर स्क्रीन शॉट दिखा के बहुत सारे तरीके से इन्हें बेवकूफ बना के सामान लेके चले जाते हैं। इनके पास एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, कोई बैंक इनको बिजनेस करने के लिए लोन भी नहीं देगा, इसलिए तो ये रोड साइड में आकर कुछ सामान बेच के अपना परिवार चलाते हैं। अगर आप लोग इन्हें सपोर्ट नहीं करोगे तो इनका परिवार कैसे चलेगा? सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। इनके पैसे दो।